बस कुछ दिन पहले की बात है, हम लोग डिस्कॉर्ड के ऊपर बैठे हुए थे, मैं और अपने डिस्कॉर्ड के मॉड, जहाँ पर हमेशा बहस की फालतू की बातें चलती रहती हैं। ये वो लोग हैं जिनको मैंने हायर करके रखा हुआ खुद का काम करवाने के लिए, एंड एट द एंड ऑफ द डे मेरे को अपना काम खुद करना पड़ता है, क्योंकि इन नाकारा बंदों से काम नहीं होने वाला था। नंबर वन एडिटर और नंबर वन कॉन्टेंट डेवलपर कुछ भी नहीं करते भाई ये लोग, और जब भी कॉन्टेंट या वीडियो मांगो तो एक रैंडम बहाना मार लेंगे जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता। मैं सैंपल दिखाता हूँ आपको, लेकिन सैंपल दिखाने से पहले आपको इस बंदे को लेके जाना डायमंड तक प्लीज। तो जितने बंदे चैनल की ऊपर नए हैं, हाथ जुड़ के बेनती है कि प्लीज सब्सक्राइब कर दो, भले ही बाद में अनसब्सक्राइब कर देना कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको लेके जाना डायमंड तक। हाँ मेरी जान यार तेरे को मैंने बोल कर रखा था कि कल वाली वीडियो मेरे को दे दे, अपलोड करनी होती है। एक्चुअली ना वो मेरे कुत्ते ने दारू पी ली और मेरी डेथ हो गई। कुत्ते ने चल भाग यहाँ से, या तो ये बंदे मेरे को पागल बना रहे हैं या इनको लगता है कि मैं पहले से ही पागल हूँ। अभी आपको दिखाता हूँ अपना कंटेंट डेवलपर, अब इससे क्या बहाना का मेरे को नहीं पता। हाँ मेरी जान, हेलो मम्मी भाई, मेरे को थोड़ा बहुत कंटेंट चाहिए रिकॉर्डिंग करने के लिए, जो तेरे को देख रखा था वो कहाँ पर है भाई? पमी भाई वो बिजली का खंबा पानी के नीचे डूब चुका है, वाईफाई वाला तार काट कर चांद पर चला गया, और मैं पहाड़ों में हूँ, यहाँ पे सिग्नल की कमी है। हेलो हेलो, सिग्नल नहीं आ रहे। हेलो बचा मेरे को यार इनसे। और ब्रोस यही नहीं, और लोग भी हैं भाई, जैसे फॉर एग्जांपल जितने मेरे यूट्यूबर दोस्त हैं, ये ईशान भाई, अज्जू भाई, रानी साहब, सब भाई साहब जिनके मैं फोन करता हूँ वीडियो बनाने के लिए, वो भी सारे मिले हुए हैं, वो भी ऐसा रैंडम बहाना बना के भागेंगे ना कि दिमाग सोचेगा कि ऐसी चीज दुनिया में हुई तो कैसे हुई। यो सर, अरे ईशान भाई कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, बताओ आप। अरे ईशान भाई आ जाओ वीडियो बनाते हैं यार, बहुत टाइम से वीडियो नहीं बनाई आपके साथ यार। अरे यार वो क्या हो गया ना, एक बंदर आ गया था घर पे, उसने पीसी तोड़ दिया मेरा मेन वाला, ठीक है, और जो दूसरा वाला पीसी है ना वो मेरे भाई ने धोने को डाल दिया है। अच्छा पीसी धुल रहे हैं वहाँ पर? हाँ। कोई और जुगाड़, फोन पे गेम खेल लेते हैं, आ जाओ फोन पे गेम खेल लेते हैं, फ्री फायर खेलते हैं फोन के ऊपर, आ जाओ। क्या हो गया ना, अभी ये वाला फोन मेरा नहीं है, मैंने बाजू वाली का ले लिया है। मेरा वाला क्या हो गया, जो बंदर ने पीसी तोड़ा था ना उसके बाद उसने फोन ले लिया और फोन लेके भाग गया। समझ गया, बताओ। नहीं बताओ, बंदर ने पीसी तोड़ दिया फोन लेके भाग गया। लेकिन चलो कोई बात नहीं ब्रो, मेरे को कंटेंट मिल चुका है, मेरे को इन लुबलों की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि हम एक दो बिच्छू गैंग के बंदे हैं और हमारे पास कंटेंट खुद चल के आता है। तो ब्रोस कुछ टाइम पहले मैंने अपने मुसम्मी चैनल के ऊपर नॉट यू टाइप की वीडियो बना के रखी थी, जहां पर वो लोग यूट्यूबर्स की पैरोडी बता रहे थे, बहुत ज्यादा फनी वीडियो थी भाई, मैं देख के बहुत हंसा और बहुत मेरे को मजा आया। तो मैंने सोचा क्यों ना इनकी लेटेस्ट वाली वीडियो के ऊपर एक बार फिर से खतरनाक वाला रिएक्शन दिया जाए, और मैंने सुना है कि ये लोग भी इसी फालतूगिरी के बारे में बात करने वाले हैं। तो ब्रोस आज के कंटेंट सप्लायर नॉट यू टाइप वीडियो का टाइटल है एवरी इंडियन ट्रिप एवर माय फर्स्ट एनिमेशन व्लॉग। आगे बढ़ने से पहले लाइक कर दो, और यार मैंने सब्सक्राइब कर दिया है, आप भी कर दो, मेरे 1500 अकाउंट है, लेकिन मेरे को इतना पता है मैंने सब्सक्राइब कर दिया इसको। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज आप लोग भी यहाँ पर थोड़ा बहुत ध्यान देना प्लीज, इसको आगे लेके जाना हमने। तो आज से कुछ समय पहले, मतलब एक साल पहले, मैं और मेरे ऑनलाइन दोस्त रोज की तरह किसी फालतू चीज पे आर्गुमेंट कर रहे होते हैं कि क्यों हाथी कूद नहीं सकते, और कैसे अगर तुम कंबल से पैर बाहर निकाल के सोते हो तो कोई मॉन्स्टर या चुड़ैल आके तुम्हें कच्चा चबा जाएगी, पर अगर तुम पैर अंदर करके सोते हो तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं करेगा। वैसे बात तो सही है यार, कंबल जो है सबका एक ऐसी चमत्कारी शील्ड है, उसके अंदर एक ऐसी पावर है कि एक बारी कंबल के अंदर घुस गए तो ना भूत ना मॉन्स्टर ना कुछ भी भाई, न्यूक्लियर बॉम्ब भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर पैर अंदर कर लिया, तू अगली बार मिल बताता हूँ तुझे, चैन से सोएगा ना अब तू, ले तेरा लाइट ऑन कर दिया, अब ठंड में बिस्तर से उठना पड़ेगा, ले तेरा पंखा भी ऑन कर दिया अब तो। तो ऐसी किसी बात पे आर्गुमेंट चल रहा होता है तो उसी बीच न जाने मेरे दिमाग में क्या आता है और मैं बोलता हूँ, तुम लोग अच्छे लोग हो, हमें मिलना चाहिए। ये सुन के भैया सन्नाटा मच गया। हा? क्या बोला तूने? आयु तुझे पता है ना ऑनलाइन दोस्त कभी मिल नहीं सकते, इनफैक्ट ऑनलाइन दोस्त जैसी तो कोई चीज ही नहीं होती, हम सब तो रोबोट है। आयु तू हमारा दोस्त हो ही नहीं सकता। लोग सिमुलेटर में जी रहे हैं। हैंग करा सेकंड, क्या मेरे जितने भी ऑनलाइन दोस्त हैं चाहे रियल बंदे हैं या सिमुलेटर हैं? और नो हम जा रहे हैं। फिर उन लोगों ने एक दूसरे के गले में हाथ डाला और न जाने क्यों गुस्से में डोरेमोन उनका थीम सॉन्ग गाने लग गए, वो भी तमिल में। क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, सॉरी गाइस, कुछ महीनों से जिंदगी थोड़ी सही नहीं चल रही है इसलिए ऐसे जोक्स आ जाते हैं कभी कभार। खैर सरप्राइजिंगली मेरे ऑनलाइन दोस्तों ने मेरी मिलने वाली बात को सीरियसली लिया, और इसी तरह हमारी मुंबई टू गोवा ट्रिप प्लान होती है जो कि दिसंबर में थी। तो अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं सीधा दिसंबर तक।
ट्रिप का टाइम, तो अब कुछ रीजन की वजह से मुझे मुंबई प्लेन की जगह ट्रेन से जाना पड़ता है। नहीं, मैं एयरपोर्ट पर फटाका लगाता हुआ नहीं पकड़ाया था, थे कुछ रीजन थी कि सच में थे। तो मैं रात में ट्रेन में बैठता हूँ और सुबह में मुंबई पहुंच जाता हूँ। अब जो मुंबई पहली बार आता है ना, वो ना अलग अलग चीजों को देख के चौंकता है, जैसे वड्डी वड्डी बिल्डिंग्स, वड्डे वड्डे सुपरस्टार्स। और इधर मैं जैसे ही मुंबई के स्टेशन पे उतरा, ओ बहन की एलिवेटर स्टेशन पे, वो भी भाई साहब इसको एस्केलेटर बोलते हैं, एलिवेटर मतलब आंखों में भरोसा ही नहीं हो रहा है। मैंने मम्मी को फोटो खींच के भेजी, मम्मी एलिवेटर वो भी कसम से आ रही है, बट एक्चुअली रिलेटेबल है। जब मैं खुद पहली बार इतने छोटे से गांव से बाहर निकल के गया था ना, तो उस शहर के अंदर बड़े बड़े घर, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को छोड़ के मैं छोटे छोटे चीजें देख रहा था। अरे यहाँ पर तो फिर भी ट्रेन स्टेशन के अंदर एलिवेटर लगी हुई है, वहाँ सड़क के ऊपर लगी हुई थी, विश्वास नहीं हो रहा था भैंस की सड़क के ऊपर एलिवेटर लगी हुई है स्टेशन पे। भाई साहब एस्केलेटर होता है, देखो ये हमारे स्टेशन पे नहीं होते हैं, हमें पूरा ब्रिज पैरों से चढ़ना पड़ता है। और मेरे गाँव के ब्रिज पता है बादलों में होते हैं, वो ब्रिज को इतनी ऊपर होने की जरूरत भी नहीं है, उसको किसी इंजीनियर ने नहीं बनाया है, ये गांव के लोगों ने मस्ती में उसको इतनी ऊपर तक बना के आ गए। अब वो स्टेशन का ब्रिज ना आउटर स्पेस तक पहुंच चुका है। साला कुली लेके भी जाओगे ना तो थोड़ा ऊपर जाके तुम्हारे कुली को भी कुली करना पड़ जाएगा। भाई साहब कुली करना पड़ेगा? अरे किया तो है तुम्हें। अरे आपको ने मुझे कुली करना पड़ेगा, रुको कुली। हाँ जी भैया, इन्हें ऊपर तक छोड़ आओ यार। अरे पागल हो क्या मियाँ, ऊपर तक जाना है तो स्पेस सूट किधर है तुम्हारा, और ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आए कि नहीं? ऊपर ऑक्सीजन बहुत कम है, हम लोग क्या बहुत ऊपर खड़े हैं मियाँ, देखो यहाँ से वो माउंट एवरेस्ट भी दिखता है। देखो आज की रात तो हमें ये सीढ़ियों पे सो के गुजारनी पड़ेगी, ऊपर पता नहीं कहाँ कहाँ के खूंखार जानवर घूमते हैं। और सबसे जरूरी बात, हम लोगों के बीच में मैं सोऊंगा। मुझे मुंबई से अपने स्टेशन जाने में 10 घंटे लगते हैं, और फिर अपने ही शहर के स्टेशन से घर जाने में 7.5 महीने। अब तुम बोलोगे नॉट योर टाइप, तू तो बहुत ही विलेज पीपल है। हाँ तो ठीक है, हूँ मैं, नहीं होते हमारे यहाँ पे एक्सलरेशन। भाई उसको एस्केलेटर, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मुंबई जाने से पहले मुझे ऐसा लगा था कि वहाँ पे सब लोग मचाएंगे, एड़े चाले सीधे चाले इस तरीके से बात करते होंगे। तो मैं भी ना फुल रेडी था, मैं स्टेशन से बाहर निकला और एक ऑटो रोका। तो सबसे पहले तो मैंने अपनी ट्रेन में खरीदी हुई 24 कैरेट आइस डायमंड चेन आगे करी। मैंने 20 रुपए में खरीदी थी, आगे अपना टाइम आएगा भी लिखा था, क्योंकि मुंबई में थे यार, थोड़ी अमीरी दिखनी चाहिए। कौन है अंबानी है, किधर रहता है वो, है क्या उसके पास ये? तो वो ऑटो वाला पूछता है किधर जाओगे। इधर मैं फुल मुंबई के स्वैग में, क्या बोलते ऑटो वाले, चाचा अंधेरी चलोगे क्या? चलो ना, मचाते ना अंधेरी में चल के। अंधेरी में तुम उजाला लेके आओ, ऑटो में क्यों बैठे हो, लैम्बर भी नहीं लाओ ये, अंधेरी में तुम आओ। कपड़े उतार के भाग गया। अरे ऐसे कौन बात करता है यार चाचा? क्यों चाचा? अरे भाग भाग, मादर हैक, कड़कती धूप में मुजरा दिखा रहे मेरे को। अभी भी ज्यादा दूर नहीं गए, ऑटो से छीप सकता हूँ। हम लोग हमारी मुंबई के अपार्टमेंट आ जाते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, क्योंकि स्टेशन से अपार्टमेंट तक तो हम भगते भगते आए थे। वो ऑटो वाला पीछे पड़ा था ना, क्यों पीछे पड़े हो हमारे, जाओ ना। नहीं मजाक कर रहा हूँ, 700 रुपए की टैक्सी करनी पड़ी थी अपार्टमेंट तक, 700 रुपए की। 700 रुपए पता भी है कितने होते हैं? 700 रुपए में पता है तुम मुंबई में क्या क्या कर सकते हो? तुम कर सकते हो 700 रुपए में, तुम कुछ नहीं कर सकते भाई, कुछ नहीं। तुम 700 रुपए में वापस उसी टैक्सी में बैठ के स्टेशन जा सकते हो। भाई साहब मैंने 750 कर लिया है। कितनी महंगी है मुंबई। तो मैं और मैं यार, ये बात तो है यार, ऑटोमेटिकली जब भी हम बड़े शहरों के अंदर जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली चीजें somehow महंगी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये पानी की बोतल जहाँ पे 1 पाउंड की मिलती है, अगर ये पानी की बोतल भैंस के लंगर में जाकर, अभी लगता है पानी की बोतल के साथ कंप्यूटर भी लेना ना पड़ जाए कहीं मेरे को। एनीवेज, यही पानी की बोतल ऑटोमेटिकली बड़े शहरों में डबल प्राइस में होगी। कभी कभी तो मैं एक्चुअली खुद सोचता हूँ ये पानी की बोतल पप्पू की दुकान से लेके भैंस की बड़े शहरों में जाके खुद सप्लाई कर लूं, रातों रात मिलियनेयर ब्रो। मेरा दोस्त डेस्क, हम लोग हमारे बाकी तो दोस्त से पहले आ गए थे, तो अब हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं था। तभी मुझे मेरी एक फीमेल फ्रेंड ने मॉल में मिलने बुला लिया, तो हम लोग जाते हैं मिलने वापस 700 लगा के मुंबई में ना। तो मेरी दोस्त ने ना मुझे एक मूवी देखने बुलाया था, अवतार। मूवी में ज्यादा कुछ खास था नहीं, कुछ नीले लोग नंगे होके पानी में भाग रहे होते हैं रोबोट मशीन से बच के। ये मूवी मैंने 3D में देखी थी, ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ, अब बस वो नंगे लोग मेरे साइड से निकल के भाग रहे थे। हम ये जंग जीत के रहेंगे। सर वो सब तो ठीक है, वो आदमी कौन है? नीले लोग लेकिन उसे टच नहीं करेंगे। जिमी मैंने तो अपने हाथ भी गीले कर लिए सुसु से, जैसे ही मैं नंगा होके उसके पास से भागूंगा अपने हाथ उस पर लपलपा दूंगा, छीटों से उसे लगेगा मूवी और रियल है। मेरी जिस फ्रेंड ने मुझे मॉल में बुलाया था, उस दिन उसका बर्थडे था और मैं इधर बेशरम बेहया खाली हाथ गया था, बिल्कुल उस लेंडू बच्चे की तरह जो बर्थडे पार्टी में खाली हाथ आ जाता है। फ्री का नमकीन और केक दे दो बस उसे। तो ये बच्चा इधर मैं था, चीजें अभी इधर खत्म नहीं हुई है। उस बंदी ने फिर मुझे गिफ्ट दे दिया,
चीजें अब सीरियस हो गई है। दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम इधर, ठीक है इधर है, और फिर आता है किसी के बर्थडे पे उनसे ही गिफ्ट ले लेना इधर। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि बंदी मुझे टॉन्ट मार रही है कि सच में गिफ्ट दे रही है। मुझे उस समय इतनी ज्यादा शर्म की अनुभूति और आभास हो रहा था, मेरा मन कर रहा था उठ के भाग जाऊं वहां से। सबसे ब्रो सबसे शर्मनाक चीज एक्चुअली यही है। और गिफ्ट के अंदर क्या होगा, दुनिया की सबसे घटिया आइटम। गिफ्ट खोल के ये रियलाइज होता है कि भाई मैंने पागल था कि मैं ये गिफ्ट खोला मैंने। नॉर्मली लोगों के अंदर ऐसे लोग इतनी घटिया किस्म के आइटम्स डालते हैं ना। अब ये वीडियो मैंने देखी नहीं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। नॉर्मली इन गिफ्टों के अंदर एक लेवल की घटिया चीजें होती है, जैसे कि फोन का कवर, सस्ता माउस, चाबी का छल्ला, पेन, कोई सेंस नहीं बनता इन चीजों का, और ये एट द एंड हमें उनका बिल देना पड़ता है। आई थिंक इस वीडियो में यही होगा। अरे वो बाहर बहुत गर्मी है ना, इसलिए मैंने सोचा फ्राइड स्प्राइट पी लूँ आके, और पेरी पेरी फ्राइज भी मेरे फेवरेट है। जब भाग रहा तो खा अगर उस टाइम मैं चाहता तो अपने पीछे वाले जेब से बटवा निकाल के एक 50 का करारा नोट और 1 रुपया लगा के बट्टा लिफाफा बना के उसे दे देता। लेकिन मैं कोई 80 साल का दादाजी नहीं हूँ, और वो भी मेरी पोती नहीं है, तो अब मैं कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए मैंने बेशर्मू की तरह उसका गिफ्ट ले लिया और कमियां भी निकाल रहा हूँ। घड़ी तो अच्छी लाई हो तुम, लेकिन फास्ट लाती तो अच्छी है घड़ी। इस ट्रिप पर ना हमारे बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो गए थे, इतने कि मैं अपने बेसमेंट वाले बच्चों को खाना तक नहीं खिला पा रहा हूँ। चुप रहो, मैंने कहा ना नहीं मिलेगा खाना। आप पैसे के लिए इंडियास नंबर वन ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप प्रोमो पे क्यों नहीं जाते? क्या प्रमोशन ठोका चोरे ने यार। जितनी भी बातें हमारे भाई साहब ने वीडियो के अंदर बोली है एकदम से टॉप लेवल की रिलेटेबल बातें थी। और जरा से पहले प्रोस मेरे को सिर्फ एक ही चीज चेकआउट करनी है, और वो है डोरेमोन का थीम सॉन्ग, वो भी तमिल में। डोरेमोन थीम सॉन्ग इन तमिल। लोग अपने टाइम में सुनना भाई। तो चलिए ब्रो, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब, टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।